वाहन चलाते समय पहना जाने वाला हेलमेट अगर आपको अपने दफ्तर में पहनकर बैठना पड़े तो, अंग्रेजों के जमाने में बनी बिल्डिंग में अगर आपको बैठना पड़े तो शायद आप भी यही करेंगे। हेलमेट पहनना इन कर्मचारियों की मजबूरी नहीं, जरूरत है। जरूरत जिंदगी की, जान बचाने की। उत्तर प्रदेश के बागपत का बिजली विभाग है, हेलमेट लगाकर बैठे इन कर्मचारियों को घर जाने की जल्दी नहीं है। ये सभी लोग इसी तरह रोजाना इस दफ्तर में काम करते हैं। 21वीं सदी में भी यहाँ अंग्रेजों के जमाने की बनी बिल्डिंग में काम हो रहा है। ये भवन इतना जर्जर हो गया है कि छत से कब प्लास्टर गिरकर नीचे बैठकर काम कर रहे बिजली कर्मचारी को घायल कर दे कोई नहीं जानता। दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में प्लास्टर के टुकड़े गिरते रहते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कर्मचारी हेलमेट पहनकर काम करने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि बिजली विभाग के बड़े अफसरों के कान में कब तक ये बात पहुंचती है। इस दफ्तर में करीब 40 कर्मचारी काम करते हैं। बागपत के बड़ौत कस्बे में बिजली विभाग का मीटर टेस्टिंग लैब है। ये लैब जिस भवन में है वो अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई बिल्डिंग है। दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करने वाले वेदपाल आर्य का कहना है कि हमें नहीं पता कि कब छत से प्लास्टर का टुकड़ा गिरकर हमारे सर को लहूलुहान कर दे। अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग सिर पर हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं। प्लास्टर के टुकड़े सिर पर गिरने की वजह से हमारे कई कर्मचारी साथी घायल हो चुके हैं। हेलमेट पहनकर काम करते हुए कर्मचारियों की फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद बागपत के DM राजकमल यादव ने मामले का संज्ञान लिया। DM ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस तरह के जर्जर भवन में ऑफिस चलाना काफी खतरनाक है। डिस्कॉम की तरफ से इस पर इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। हम पावर कॉर्पोरेशन के सीनियर अफसरों से बात करके जल्द इस भवन से ऑफिस को शिफ्ट कराएंगे।